हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नोमियोपैथी एंड हियर समृद्धि शर्मा इज हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि मेंटल सिम्टम्स आपको किस तरीके से लेने हैं और मेंटल सिम्टम्स लेने के लिए आपके पास क्या नॉलेज होनी चाहिए, आपको क्या जानकारियाँ चाहिए अगर आप किसी से मेंटल सिम्टम्स ले रहे हो तो। क्योंकि देखो, एक बहुत कॉमन बात ये है कि मरीज़ जो है वो आपको सारे सिम्टम्स तो नहीं बताएगा, और अगर वो आपके पास पहली बार आया है तो आपको मेंटल सिम्टम्स तो वो बिल्कुल नहीं बताएगा, बिकॉज ही इज़ और शी इज़ नॉट सो मच फ्रेंडली टू यू कि वो आपको हर बात खुलकर बता दे। ठीक है, तो आपको किस तरीके से जो भी आपको जानकारी चाहिए वो उस मरीज से किस तरीके से आप निकलवाओगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा, और अगर आपको कुछ जानना है तो इस वीडियो को आपको पूरी देखनी पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं जानना तो आप अभी से इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि अगर आप किसी के मेंटल सिम्टम्स जानना चाहते हो या फिर चाहते हो कि वो आपको मेंटल सिम्टम्स बता दे, या फिर हम जो मेंटल सिम्टम्स पूछें या जो मरीज़ बता रहा है उससे हमारी दवाई निकल जाए, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो रेपर्ट्री है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। रेपर्ट्री इज़ असेंशियल टू गेट द नॉलेज ऑफ द मेंटल सिम्टम्स। रेपर्ट्री आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। अब लोग बोलेंगे कि पूरी रेपर्ट्री हम कोई टिप्स पे रख के बैठेंगे क्या, फिर रडार या फिर जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो क्या काम आएंगे। एटलीस्ट आपको मेंटल सिम्टम्स पड़े हुए होने चाहिए रेपर्ट्री के। ठीक है, अगर आप मेंटल सिम्टम्स की बात कर रहे हो तो मेंटल सिम्टम्स आपके कैंट रेपर्ट्री के बिल्कुल आपके पड़े हुए होने चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपको कोई सिम्टम मरीज़ बता रहा है तो एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा कि इट इज़ यूजफुल एंड इट लीड्स टू द रेमेडी सिलेक्शन, कि ये जो सिम्टम बताए हैं ये तो मेरे काम के ही हैं और इससे दवाई निकलेगी ही निकलेगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मतलब चार पांच उनके सवाल होते हैं, वो रटे हुए होते हैं और वो पूछते रहते हैं। ठीक है, कभी उन्होंने जाकर देखा भी नहीं कि ये रेपर्ट्री में हमें ये रूब्रिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन्होंने कभी गौर करने की कोशिश नहीं करी। बस उनके रटे हुए सवाल हैं वो मैं पाँच सवाल आपको बता देती हूँ जो वो पूछते हैं सारे जने, कि क्या आपको अंधेरे से डर लगता है, आप अकेले रह सकते हो, या फिर आप अंधेरे में डरते हो, या रोड क्रॉस करने में डर लगता है, या फिर किसी का साथ चाहिए चाहिए या अकेले रह सकते हो। अरे भाई, ये सवाल पूछने क्यों है, हर किसी से सेम सवाल, कॉमन सवाल तो उनका बिल्कुल एक हिस्सा बन गया लाइफ का कि ये सवाल तो मैं पूछूंगी, ये तो ज़रूरी है। लेकिन क्या कभी गौर किया कि क्या ये जो रूब्रिक्स आप इनके रूब्रिक्स ही बनाओगे जाके, तो क्या ये सिम्टम्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है रेमेडी सिलेक्शंस के लिए, या फिर आप जो है कि इनको आपने देखा कैंट रेपर्ट्री में जाके देखा कि इनके रूब्रिक्स भी हैं क्या वहाँ पे। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल मेहनत करनी नहीं है। ठीक है, अगर वो पांच सवाल हर मरीज़ से पूछ रहे हैं तो मेरे हिसाब से उनकी हर मरीज़ की जो दवाई है वो सिमिलर ही आनी चाहिए। ठीक है, एक ही दवाई आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको रेपर्टोरियल नॉलेज होनी चाहिए, मेंटल सिम्टम्स एटलीस्ट आपके पड़े हुए होने चाहिए, ताकि आप क्या करो कि कुछ तो आपको नॉलेज मिले कि ये सिम्टम्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे दवाई निकलती है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये तो एक तरीके का आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछना सिखा रहे हो। देखो, आपने अगर एफोरिज्म्स पढ़े हो, केस टेकिंग एफोरिज्म पढ़े हो, तो उसमें 87th एफोरिज्म में ये बोल रखा है कि आपको लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसका दो एफोरिज्म नीचे जाओगे, ठीक है, 89th एफोरिज्म में जाओगे, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या फिर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो आपके रेमेडी सिलेक्शन में हेल्पफुल है, या फिर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मरीज़ ने नहीं दी जिससे आप किसी रेमेडी को सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपके पास फुल छूट है कि आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, और मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, कि लोग बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं कि लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, लेकिन हर कोई लीडिंग क्वेश्चन अपनी केस टेकिंग में पूछता ही है, गारंटी है मेरी, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी है। सिर्फ कहने की बातें हैं कि लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, लीडिंग क्वेश्चंस पूछना सिखा रहे हो और बहुत सी बातें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
हर कोई अपनी केस टेकिंग में नोट करके देखना, अगर आप आज से केस टेकिंग लेना शुरू कर रहे हो तो नोट करके देखना कि आप केस टेकिंग में डेफिनेटली लीडिंग क्वेश्चन पूछोगे ही पूछोगे, बिकॉज आपको कोई ना कोई रेमेडी सेलेक्ट करनी ही करनी है। ठीक है, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि आपको किस तरीके से गाइड होना है केस के लिए, कैसे गाइड होना है। कि सपोज आपके पास कोई मरीज आया है कॉन्स्टिपेशन का, उसका आपको मेंटल सिम्टम पता करना है, तो एक जनरल मेंटल सिम्टम मैं कॉन्स्टिपेशन का आपको बता देती हूँ, जो बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि आप अपनी फैमिली में भी देख लेना कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसका नेचर यही है। ठीक है, अगर कॉन्स्टिपेशन किसी को है, ठीक है, तो वो ज़िद्दी है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में वो ज़िद्द करता है, उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी हो गई है ज़िद्द करने की। ठीक है, द ऑब्स्टिनेसी, अगर कोई ज़िद्दी है तो उसको कॉन्स्टिपेशन रहता ही रहता है, और कॉन्स्टिपेशन अगर रहता है तो डेफिनेटली आप देखोगे कि पाइल्स की प्रॉब्लम उसे रहती ही रहती है, क्योंकि जो लोग ज़िद्दी होते हैं उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, आप ये चीज़ नोट करके देखना। अब आपको एक चीज़ पता चल गई कि ये जो मरीज़ आया, अगर उसको पाइल्स की दिक्कत है तो डेफिनेटली जो है उसको ज़िद्दीपन है, ज़िद्दीपन है, तो आप देखोगे कि आपको अब दवाई सेलेक्ट करनी है। सपोज़ यू आर टॉकिंग अबाउट, जैसे कि मैं सोच रही हूँ मन में कि ये साइलिशिया का मरीज़ हो सकता है, ठीक है, तो मुझे पता चल गया, लेकिन मरीज़ ने ऐसे सिम्टम दिए नहीं बिकॉज वो आपसे फैमिलियर नहीं है, उसने साइलिशिया के मेंटल सिम्टम्स आपको दिए नहीं, बस आपको थोड़ा सा गाइड मिल गया नॉलेज का। ठीक है, तो आप उससे पूछोगे लीडिंग क्वेश्चन, बिकॉज 89th एफोरिज्म में यही बोल रखा है कि आपको अगर दवाई सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो और लीडिंग सिम्टम्स पूछने ज़रूरी हो गए तो आप पूछ लो। ठीक है, कोई उसमें गलत बात नहीं है, है ना। तो आपने सिंपल उससे पूछ लिया कि क्या आपको डर लगता है, कोई भी काम आप शुरू करते हो तो क्या आपको डर लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, लेकिन आप जब काम करना शुरू करते हो तो आप उसको डेफिनेटली पूरा ख़त्म कर देते हो एंड विद द कॉन्फिडेंस यू डू इट। एंजाइटी, ओके, तो मरीज बोलेगा हाँ, आपको कैसे पता। ठीक है, और आप मेरी एक बात गांठ बांध लो कि अगर आपने मेंटल सिम्टम्स किसी भी मरीज के उसे बता दिए कि आप ये सोचते रहते हो, आपके दिमाग में ये चलता रहता है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो आप ही के पास आएगा और बार बार आएगा, वो सबको ये भी बताएगा कि इनको मन की बात भी पता चल जाती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ट्राई टू रीड द सिम्टम्स लाइक दिस, कि आप एक बार रेपर्टरी पढ़ लो 100%। आप अगर रेपर्टरी पढ़ लोगे ना तो आपके दिमाग से ये चीज़ गायब हो जाएगी, मेंटल सिम्टम्स ले कैसे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि मरीज़ ने अगर ये सिम्टम दिए हैं तो इसकी दवाई निकलती है, इससे दवाई निकलती है, ये काम का सिम्टम है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, मुझे इतना ही कहना था कि मेंटल सिम्टम्स किस तरीके से सेलेक्ट किए जाते हैं। मेंटल सिम्टम्स को लेकर मैंने 2-3 वीडियो बना रखी है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे उन वीडियोस को देखकर आना, और आज ही से अगर रेपर्टरी नहीं पढ़ते हो, सिर्फ सॉफ्टवेयर के भरोसे बैठे हो, तो प्लीज़ रेपर्टरी पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज योर ब्रेन इज़ मोर पावरफुल देन द मशीन। ओके, कि आपका ब्रेन जो काम कर सकता है वो मशीन काम नहीं कर सकती। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नो होम्योपैथी।